दोस्तों, जो स्क्रीन पे आप लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन देख रहे हैं, ये कैसे बनता है और इसका क्या तरीकेकार है और ये कितना जरूरी होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब आप ये बना के अपनी वीडियो में लगाते हैं तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ऑडियंस जो आपकी देख रही है आपको, उसने जब आपका कॉन्टेंट देखना है और जब वीडियो देखते हुए ये ऑटो ऊपर आएगा, लाइक सब्सक्राइब बटन जो सामने शोर है, तो वो ऑटो आपकी जो इंसान है आपका चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। तो ये कैसे बनता है, इसका सारा तरीका आपको मैं बताऊंगा वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने ओपन करनी है यूट्यूब। यूट्यूब ओपन करके आपने सर्च करना है ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब बटन। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ, ये आ गया ऊपर सब्सक्राइब बटन, ये देखें ये आ रहा है। अच्छा, आपने ग्रीन कलर वाला ही डाउनलोड करना है जो आपकी वीडियो पर पुट हो जाएगा। ये मैं आपको वीडियो पर लगाना भी सिखाऊंगा, टोटल आपको आज इसका ट्यूटोरियल बताऊंगा। ये हमारे पास शॉर्ट्स में आ रहा है एक, ये देखें इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करते हुए आपने क्वालिटी भी अच्छी रखनी है, जो हैवी क्वालिटी है उसका आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, ये 1080p पे मैंने रख के इसको डाउनलोडिंग पे लगा दिया। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इतने में हम क्या करते हैं, रिमूव भी एक एप्लीकेशन है बैकग्राउंड रिमूव करने वाली, उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें वो पिक्चर आपने लेनी है जो आपने लगानी है इसके ऊपर, उसका बैकग्राउंड आपने रिमूव कर लेना है। अपलोड इमेज पर जाना, जिस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है वो आपने उठा लेनी है। जैसे मैंने ये पिक्चर लगानी है, ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सेम इसी तरह आपने गूगल पे ना एक सर्कल, PNG सर्कल जो होता है ना, वो सर्च करना है। PNG सर्कल मीन यानी कि कोई भी उसका बॉर्डर जो होता है ना साइड पे शो हो रहा होता है, ये जो वीडियो में भी आपको शो हो रहा है, वो सर्कल आपने डाउनलोड कर लेना। यहाँ लिखेंगे ना, जब PNG सर्कल आपके सामने आ जाएगा, जो आपको अच्छा लगता है आपने वो डाउनलोड कर लेना। यहाँ काफ़ी ढेर सारे आ रहे हैं तो मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। इस पर आप क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड की, ये डाउनलोड इमेज, ये हमारा डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेना हमने। रिमूव बीजी में जाना, अपलोड इमेज, ये हो गया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमारे पास सारी चीजें तैयार है। अब हमने क्या करना है, जाना है सीधा इनशॉट एप्लीकेशन में। ये इनशॉट एप्लीकेशन है, ये इसके अंदर जाना है। ठीक है जी, वीडियो पे जाना, न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो जो हमने डाउनलोड किया ना सब्सक्राइब वाला, वो उठा लेते हैं हम। ये मैं उठा लेता हूँ, देखें जी ये हमारे पास आ गया। अब इसका पहले फ्रेम सेट कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने, जो भी आपके चैनल का नेम है, जो भी आपने रखना है यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, आपने वो यहाँ लिख लेना है, ये जो जगह आपको नजर आ रही है। मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मेरे चैनल का नाम है टैकी शैकी, टैकी शैकी। ठीक है, बाकी कलर स्कीम फॉन्ट्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, फिर इसको हमने एडजस्ट करना है, बिल्कुल ये इसके सेंटर में आए, ये देखें। ठीक है, इसे ओके कर देते हैं यहाँ पे और इसको वीडियो के मुताबिक कर देते हैं यहाँ पे, ये देखें। अब इसका साउंड आपकी मर्जी है, अगर आपने साउंड रिमूव करना है रिमूव कर दें, साथ रखना है तो रख लें, वो आपकी मर्जी है, ऐसे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वॉल्यूम थोड़ा लो होना चाहिए इसका। ये नाम हमारा हो गया, अब बारी आती है यहाँ पे पिक्चर लगाने की। ठीक है, पिक्चर के लिए क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ हमारे पास एक एप्लीकेशन है पिक्सल ऐप, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक बैकग्राउंड इसका सिलेक्ट करना है ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ हमने वो रिंग जो इंसान हमने बनाया था ना, उसको हमने इसके अंदर कॉपी करना है फ्रॉम गैलरी, ये हमारा रिंग आ गया। ठीक है जी, अब आपने इसी के अंदर अपनी पिक्चर इंपोर्ट करनी है जिसका बैकग्राउंड आपने रिमूव किया है अभी, ये वो पिक्चर है। ठीक है जी, यहाँ आपने एक काम जरूर करना है कि इसको गोलाई में कर लेना, ये गोल जो सी है ना, ये सर्कल, इसमें करके आपने इसको करना है और जहाँ पे रखना है वहाँ पे इसको सेट कर लेना, यहाँ पे रखना है इसको। अब इसको मैं इसके साथ एडजस्ट कर लूँगा, ये देखें ये हो गया हमारा, बिल्कुल परफेक्ट एडजस्टमेंट हुई है। अब हम इसको यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट कर लेते हैं, सेव एज इमेज, ये अब हमारी गैलरी में सेव हो गया। अब जाते हैं हम दोबारा इन शॉट के अंदर और यहाँ से मैं स्टिकर पे जाता हूँ, यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये पड़ा हुआ सामने। इस सर्कल को मैंने इस सर्कल के बराबर कर देना है। ठीक है, ये मेरा रेडी हो जाएगा, देखें बिल्कुल परफेक्ट आके बैठ गया यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है, अब इस पे ओके करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव आपने करना है 1080p पे सेव कर लेना, ये सेव हो गया। ठीक है, अब बारी आती है इसको पुट कैसे करना है, इसको लगाना कैसे है। ठीक है,
यहाँ से हम जाते हैं वीडियो में, कोई भी मैं अपनी वीडियो उठा लेता हूँ जिस पर मैंने ये लगाना है, जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं एक वीडियो उठा लेता हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो में मैंने इसको पुट करना है, तो यहाँ से मैंने जाना है PIP के ऑप्शन में, ये पाइप को मैंने प्रेस करना है, ये मेरा लोगो तैयार पड़ा हुआ। मैंने इसको यहाँ यहाँ से पहले अपने पोजीशन इसकी सेट कर लेनी है कहाँ पे, और साइज चेक कर लेना है कहाँ कितना साइज रखना है, ठीक है। बिलफर्ज मैंने यहाँ पे रखना है इसको। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से जाना है। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने क्रोमा में जाना है। क्रोमा में जाके ये सिंपली इसके ग्रीन कलर पे ला के, जब कलर ये डिटेक्ट कर लेगा ना ग्रीन वाले, तब आपने इसकी फिनिशिंग देनी है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ानी है। वो देखें बिल्कुल ओके आ गया, शेडो देने की जरूरत कोई नहीं है, शेडो को आप ना छेड़ें। ये हमारा पुट हो गया, ठीक है। एक और इसमें ऑप्शन आती है एनिमेशन की, यहाँ पे हमें मिल जाएगी एनिमेशन की ऑप्शन, वो जो स्टाइल्स वगैरह होते हैं, ये देखें ये स्टाइल, ये देखें इसी में ये कम ज्यादा हो जाते हैं स्टाइल, ठीक है। ये था जिसका तरीका पुट करने का, इसको बनाने का, लगाने का तरीका। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को दूसरों के साथ शेयर लाजमी करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।